जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और हम तब तक उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जब तक वो हमारी परेशानी ना बन जाए। ऐसे ही गन मेटल बुश है जिनका लगभग हर छोटी बड़ी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पाइप फिटिंग्स, वॉल फिटिंग्स, रेलवेज, हेवी इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और टू व्हीलर्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों में भी बुश का बहुत बड़ा रोल होता है। गन मेटल बुश का काम होता है मशीन्स में इस्तेमाल होने वाले शाफ्ट्स को घिसने से रोकना। पहले लोगों को बुश की इम्पोर्टेंस के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री में भी गन मेटल बुशेस की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं सुगन आनंद, IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज IID आपको गन मेटल बुशेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी देगा और साथ ही आपको इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पता चलेगा कि गन मेटल बुशेस को बनाया कैसे जाता है और इस बिजनेस से आपको कितना मुनाफा हो सकता है। नमस्कार, मैं कुशवंत सिंह मेहता, कमल दी मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली से। हम लोग नॉन फेरस कास्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि हैवी इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री, कैपिट इंडस्ट्री, रेलवेज, रिफाइनरीज, इन सबको कैटर करते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग ये बुशेस बनाते हैं जो कि ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, गन मेटल, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। हम लोग 1 किलो से लेके 2000 किलो तक की कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो हम गन मेटल के बुशेस बनाते हैं उसके अंदर हम प्योर क्वालिटी का कॉपर, टिन, लेड और जिंक यूज कर रहे हैं, क्योंकि टिन से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है जिससे कि थ्रेड बनाने में आसान रहता है। जिंक और लेड का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसको सेल्फ लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है, जो कि आज के टाइम में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो इसको घिसने से रोकती है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है और इंडस्ट्री के अंदर इसके यूजेज और एप्लीकेशन के अंदर काम करने में आराम है। अगर हम प्रोसेस की बात करें, हम लोग जो गन मेटल बुश बनाने की प्रोसेस है, ये पीली मिट्टी जो कि खेतों से आती है जयपुर के, इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर ना ही हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, हम बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से चीनी के सीरे का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे बुश के अंदर क्वालिटी अच्छी बनती है और जो काम करने वाली लेबर है उनको भी काम करने में आराम मिलता है। इसके बाद हम लोग, हमारी मिट्टी तैयार होने के बाद हम लोग इसको हाथ के जरिए हैंड मोल्डिंग की प्रोसेस है हमारे पास अभी, एज ऑफ नाउ हम लोग हैंड मोल्डिंग कर रहे हैं। हैंड मोल्डिंग के अंदर हम लोग पैटर्न के जरिए मोल्ड्स तैयार करते हैं। मोल्ड तैयार करने के बाद उसको हम लोग गैस से सुखाते हैं। गैस से सुखाने के बाद इसका हम लोग जो है मॉइस्चर चेक करते हैं। मॉइस्चर चेक करने के बाद इसका हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब फर्नेस में हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है, जो कि गन मेटल है, हम लोग उसको बिजली की फर्नेस और गैस फायर्ड PNG फर्नेस यूज़ करते हैं। उसको मेल्ट करने के बाद इन मोल्ड्स के अंदर हम लोग सांचों, जिसको हम सांचा भी कहते हैं, मिट्टी के सांचे के अंदर हम लोग डालकर इसको गन मेटल को रूप देते हैं। रूप देने के बाद गन मेटल का बुश हमारा तैयार हो जाता है। जैसे कि आप आगे देखिएगा, मोल्ड में से जब ढलाई होने के बाद गन मेटल का जब पीस निकलता है, इसको हम लोग लेथ मशीन के जरिए या CNC के जरिए इसको हम लोग तैयार करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। फाइनल फिनिशिंग के बाद इसकी स्पेक्ट्रो टेस्टिंग होती है, PMI टेस्टिंग होती है, कस्टमर को टेस्ट, केमिकल टेस्ट रिपोर्ट के साथ मटेरियल सप्लाई कर दिया जाता है। गन मेटल के बुशेस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले उपयोग करते हैं सैंड मुलर, जिसको जनरली आप सब सैंड मिक्सचर बोलते हैं। सैंड मिक्सचर के बाद हम लोग यूज़ करते हैं हैंड टूल्स का, जो कि हैंड मोल्डिंग होती है। हैंड मोल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल्ड बॉक्सेस का, जो कि लोहे से बनते हैं। मोल्ड बॉक्स बनने के बाद हम लोग इसमें ब्लोवर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हवा मार के मोल्ड्स को साफ़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फर्नेस की तरफ, जो कि आजकल पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गैस फायर्ड PNG फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस का उपयोग कर रहे हैं। मेल्टिंग के लिए फर्नेस यूज़ की जाती है, उसके बाद ढलाई हो जाती है, मोल्ड के बाद कास्टिंग के बाद मोल्ड को खोल दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास लेथ मशीन्स है, CNC मशीन्स है, जिसपे हम लोग इसकी फिनिशिंग करते हैं। आखिरी की प्रोसेस के बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, जिसको आप लोग स्पेक्ट्रोमीटर्स कहते हैं या PMI गन्स कहते हैं, जिससे इसका केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस और हार्डनेस टेस्टिंग होती है। उसके बाद कस्टमर को इसको डिस्पैच कर दिया जाता है फाइनल यूज को। मिनिमम काम करने के लिए ये, इसके अंदर जो एरिया की रिक्वायरमेंट है 2000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप जो है कि एक आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके लेबर को काम करने में आराम मिलता है।
इसके अंदर वातावरण खराब ना हो इसके लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट रखता है, ETB प्लांट रखता है, जिससे कि हमारी फैक्ट्री हर चीज़ के अंदर सहूलियत दे रखी है हमने। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं तो मिनिमम इसके अंदर 100 किलोवाट बिजली की रिक्वायरमेंट है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आप PNG कनेक्शन ले सकते हैं, आजकल अवेलेबल है, अप्रॉक्सीमेटली वो 8 से 10 लाख रुपए के अंदर PNG कनेक्शन लग जाए। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो डिपेंड है वो डायरेक्टली डिपेंड है कॉपर के ऊपर। जैसे कि कॉपर की कॉस्ट फ्लक्चुएशन है, इसकी फ्लक्चुएशन चलती रहती है। अगर हम आज बात करें कॉपर की तो 850 रुपये किलो है, तो इन दिनों में पिछले हाल ही 6-7 महीनों के अंदर मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर कॉपर प्लस जाएगा तो हमारा मटेरियल भी प्लस ही जाएगा, तो आप 850 रुपये किलो इसको मान के चलिए मिनिमम। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं अपने इस यूनिट की जो दिल्ली के अंदर है, इसकी हमारी कैपेसिटी 1.5 टन प्रतिदिन की कास्टिंग की कैपेसिटी है। मंथली ये हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 30 से 35 टन। इस इंडस्ट्री के अंदर मेन आपको जो है एक पोल्यूशन नॉर्म्स को ही कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए अगर आप PNG गैस लगा लेते हैं या इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा लेते हैं, उससे भी आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से बहुत सहायता मिलेगी। तो अगर आप कोयले की भट्टी लगाते हैं या गैस की भट्टी लगाते हैं, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की कई किस्म की परमिशन की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट सहायता करती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉल्यूशन ऑरेंज कैटेगरी, उसके बाद आपको उद्यम की ज़रूरत है, उद्यम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको MSME की ज़रूरत है, आपको MCD लाइसेंस चाहिए, और आपको इसके अंदर एयर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से पूरे नॉर्म्स कंप्लीट करने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेस्टेज इसके अंदर 10% की बर्निंग आती है। अगर हम बात कर रहे हैं गन मेटल की, जो कि कॉपर से बनता है, कॉपर, लेड, टिन और जिंक, तो 7 से 10% की इसके अंदर बर्निंग आती है। अगर एक बहुत छोटे लेवल से हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो एक 25 से 30 लाख रुपये के अंदर एक छोटा व्यापार, छोटा लघु उद्योग स्टार्ट हो सकता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, देखिए डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की कास्टिंग कर रहे हैं। जनरली हम लोग कास्टिंग के बाद, मशीनिंग करने के बाद इसको पूरा पुर्जा तैयार करते हैं, कस्टमर के घर पे जाए पुर्जा और वो रेडी टू यूज़ हो। जैसे कि मार्केट से आप खरीद के लाते हैं कोई भी उपकरण, तो इस पे 15 से 20% का मुनाफा आप अच्छी तरह कमा सकते हैं अगर आप इसको तरीके से करें। इसके अलावा यदि कोई एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहता है और फैक्ट्री लगाना चाहता है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उसको हर तरीके से मदद करेंगे, मशीनरी से लेकर रॉ मटेरियल तक, जो कि वो अपने लिए एक उद्योग चालू कर सके और हमारे देश को आगे बढ़ाए। नमस्कार। आज IID आपको लेकर आया था गन मेटल बुशेस इंडस्ट्री में, जहां पर हमने आपको बताया कि आप इसका बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं और इन्हें बनाने का प्रोसेस क्या होता है। इसी तरह से IID आपको हर बार नए नए बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहता है। अगर आपको किसी और बिजनेस की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल अगर आपको किसी भी बिजनेस से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।